आज एंजल की ट्विस्ट एंड टेस्टी कुकिंग होम में बन रही है ये मूंगफली की चटनी। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे 2 चम्मच मूंगफली और 1 चम्मच भुना चना एक बार रोस्ट कर लेंगे, और ये 2 कश्मीरी लाल मिर्च और 1 छोटे नींबू के साइज़ की इमली का टुकड़ा इसे भिगो के रख देंगे, और 4 से 5 लहसुन की कलियाँ ले ली है। अब सभी चीज़ों को एक मिक्सिंग के ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और इसका एक स्मूथ बैटर तैयार करेंगे। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया स्वाद अनुसार नमक, इसे मिला के भी चला लिया है। अब हम चटनी में लगाएंगे तड़का। तो तड़का लगाने के लिए एक पैन में थोड़ा सा तेल और थोड़ी सी सरसों के दाना और कुछ करी पत्ते ऐड कर दिए हैं। इन्हें अच्छे से चटकने देंगे और बाद में गर्मा गर्म हम अपने चटनी पे डाल देंगे। तो बस हमारी मज़ेदार मूंगफली की चटनी तैयार है। रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए।